सो थॉमसन ने स्मार्ट टीवी के मार्केट में एक ऐसा धमाका किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कि क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग रखी है इतनी जबरदस्त है, इतनी अफोर्डेबल है कि शायद आप सभी को ये पसंद आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं थॉमसन की UD9 सीरीज की 40 इंच टीवी की बात कर रहा हूँ, जो रिसेंटली लॉन्च हुई है बस एक दो दिन पहले ही। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे सारे फीचर्स के स्पेसिफिकेशन और कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें हमेशा हर वीडियो की तरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों थॉमसन की UD9 4K टीवी की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, इसी के साथ साथ आपको 20 वॉट का स्पीकर मिलता है और एक ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना लैंड केबल डायरेक्टली इस टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको 3.5mm का जैक भी मिलता है और 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट आपको इस टीवी में देखने मिलेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक 4K टीवी, तो इसका रेजोल्यूशन जो है 3840x2160 है। दोस्तों अगर बात कर ले इसके प्रोसेसर की, तो इस टीवी में आपको प्रोसेसर A73 डुअल कोर देखने मिलेगा, इसी के साथ साथ जो GPU है उसमें Mali 450 यूज किया हुआ है। और इसके अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो इसमें इस टीवी में आपको 8GB का इंटरनल स्टोरेज और 1GB का रैम इस टीवी में आपको देखने मिलेगा। और इस टीवी में आपको Amazon प्राइम, Netflix, YouTube सब परफेक्ट चलने वाले हैं, और इसमें ऑलरेडी इसमें प्री इंस्टॉल आपको इस टीवी में देखने मिलेगा। अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं, तो इस टीवी में आपको एंड्रॉइड का 7.1 नोगट इस टीवी में आपको देखने मिलेगा। दोस्तों बात कर ले इस टीवी के रिमोट के बारे में, तो इस टीवी में आपको एक IR सिंपल रिमोट मिलता है, ना कि ब्लूटूथ वाला रिमोट इस टीवी में आपको देखने मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं बात कर लूं अगर इसके बॉक्स कंटेंट की, तो इस टीवी के बॉक्स में सिर्फ आपको एक वॉल माउंट मिलता है और इसी के साथ साथ टेबल टॉप स्टैंड भी मिलता है, तो आपको वॉल माउंट के लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि आपको अदर ब्रांड में मिल जाता है, आपको पे करना पड़ता है वॉल माउंट के लिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं Xiaomi का, तो Xiaomi में आपको अलग से 399 rupees देने पड़ते हैं वॉल माउंट के लिए, बट इस टीवी में आपको नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों इस टीवी में आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है, और प्लस आपको अगर एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट के थ्रू आपको 1600 रुपए में 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें इस टीवी के बारे में, मतलब प्रोस एंड कॉन्स। तो शुरुआत करते हैं इसके प्रोस के बारे में। तो प्रोस सबसे, इस टीवी का एक सबसे मेजर पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इस टीवी का पैनल। इस टीवी में पैनल जो यूज हुआ है IPS पैनल, A+ ग्रेड का पैनल इस टीवी में यूज किया, जिसके थ्रू आपको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है और व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं इस टीवी में देखने को। इसी के साथ साथ आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, HDR10 के सपोर्ट के थ्रू जो HDR10 हाई डायनेमिक रेंज, इसके थ्रू आपको जो कलर्स होते हैं काफी विविड दिखते हैं और आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है टीवी देखते वक्त। के साथ साथ एक नया फीचर है जो माउस कर्सर का। माउस कर्सर एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप टीवी में जस्ट एक रिमोट से बटन दबाइए माउस कर्सर का, तो स्क्रीन पे आपको कर्सर आ जाएगा। कर्सर के थ्रू आप जॉयस्टिक से नेविगेट कर सकते हो रिमोट के थ्रू, तो आपको बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है इस टीवी में। इसी के साथ साथ आपको मीराकास्ट का फीचर मिलता है इस टीवी में। मीराकास्ट फीचर एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आपका जो फोन का कंटेंट है, फोन आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे आपके टीवी से। बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में, जो खामियां इस टीवी में होंगी। तो पहला पॉइंट होगा मेरे हिसाब से कि इसमें एंड्रॉइड जो है लेटेस्ट वर्जन नहीं है, आपको एंड्रॉइड ओरियो नहीं देखने मिलेगा, आपको एंड्रॉइड नोगट इस टीवी में आपको देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको इस टीवी में गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता, इसमें एक असिस्टेंट का फीचर है लेकिन वो गूगल असिस्टेंट नहीं है, तो मैं अपने व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उसमें असिस्टेंट है लेकिन गूगल असिस्टेंट नहीं है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप टीवी परचेस कर रहे हो। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसमें ब्लूटूथ नहीं है, ना ही ब्लूटूथ रिमोट है, तो आपको इसमें टीवी में ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि आपका जो हॉटस्टार ऐप है वो कभी कभी क्रैश होने के चांसेस इस टीवी में आपको देखने मिल जाएंगे। और इस टीवी में आपको कोई भी माइक्रो SD स्लॉट नहीं मिलता, तो आपको USB के थ्रू ही कंटेंट प्ले करना पड़ेगा जब आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको टीवी में देखना है। सबसे बड़ा कौन सा होगा इस टीवी का, कि ये टीवी पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी है, मेटल आपको दूर दूर तक देखने नहीं मिलेगा, और इसके बेजल्स भी काफी मोटे हैं। हालांकि इसका वेट ज्यादा नहीं है इस टीवी का, लेकिन इसके बेजल्स थोड़े से मोटे हैं। तो
दोस्तों अगर इस टीवी को मुझे समराइज करना हो तो मेरे हिसाब से ये टीवी परफेक्ट है अगर आपका बजट 20 से 21 हजार का है, क्योंकि आपको 20 से 21 हजार के प्राइस में आपको एक 4K टीवी मिल रही है और उसमें पैनल इतना सुपर, मतलब इतना जबरदस्त पैनल मिल रहा है, IPS पैनल मिल रहा है, जिसके थ्रू आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त हो जाएगा, व्यूइंग एंगल्स मिल जाएंगे अच्छे वाले एकदम परफेक्ट, को SDR10 का सपोर्ट मिल रहा है जो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस में काफी हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से ये टीवी परफेक्ट होगी अगर आपका बजट 20 से 21 हजार का है और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ये टीवी आप परचेस कर सकते हो वहां से। और इसी के साथ साथ आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसपे 5% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आपको लगभग 21,000 से कम में भी आपको ये टीवी मिल जाएगी अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि ये टीवी आपको कैसे लगी, आपका क्या कहना है इस टीवी के बारे में जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं भी जानूं मेरे व्यूअर्स को कौन सी टीवी पसंद आ रही है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप जरूर लिखिए कमेंट में। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मैं आपको जल्द ही मिलता हूं अगले वीडियो में।